हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसी ही वेज बिरयानी। तो जब भी आपको रेस्टोरेंट की बिरयानी खाने का मन हो रहा हो तो आप इस तरह से घर पर ही बहुत ही आसानी से वेज बिरयानी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी, तो चलिए बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए चावल। तो यहाँ पर मैं एक बोल में 2 कप चावल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें पानी डालकर तब तक वॉश करेंगे जब तक कि सारा पानी क्लीन ना निकल आए। तो इसी तरह से इसे रगड़ते हुए 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने चावल को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। तो अब हमारे सारे चावल डूब जाए उतना पानी डालेंगे और इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चावल अच्छे से फूल जाएंगे और बहुत ही खिली खिली सी हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर में 4 बड़े चम्मच जितना तेल ले लिया है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए हम उसमें 8 से 10 काजू डालेंगे। काजू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारे काजू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, साथ ही 4 से 5 लौंग डालेंगे, 1 दालचीनी डालेंगे, 2 सूखे लाल मिर्च डालेंगे। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रख के सारे खड़े मसालों को हम अच्छे से भुनेंगे। तो जो भी खड़े मसाले आपके घर में अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे सारे काजू हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो प्याज को मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था। अब गैस को लो रखेंगे और जब तक हमारी प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हम इसे अच्छे से भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज का हल्का सा कलर ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट डालेंगे, साथ ही 1/2 छोटी चम्मच लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन को भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाता इसे भुनेंगे। तो हमारे अदरक और लहसुन भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, साथ ही यहाँ पर मैं 1 टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया था, तो इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे ताकि हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम आलू डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश करके छिलका निकालकर इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे करीबन 1 बाउल जितने गाजर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर को मैंने लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लिया था ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगे और जल्दी से कुक भी हो जाए।
तो आलू को फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चलाते हुए भुनेंगे। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरे मटर। तो करीबन 1 बाउल जितने हरे मटर मैंने लिए हैं। साथ ही इसमें मैं यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियाँ आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और जितने चावल और सब्जियों का इस्तेमाल करें उसके अकॉर्डिंग ही आप नमक डालें। तो सारी सब्जियों और मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसे कवर करके रखेंगे ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाए। तो अब 3 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। तो हमारी सारी सब्जियां 80% कुक हो चुकी है। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही डालें, लेकिन इससे टेस्ट काफी अच्छा आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इससे ज्यादा अब सब्जियों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर आप सब्जियों को ओवर कुक करेंगे तो जब हम इसे चावल डालने के बाद पकाएंगे तो सारी सब्जियां गल जाएंगी। तो अब हमने जिस चावल को भिगो कर रखा था उसे डाल देंगे। चावल में से मैंने सारा पानी निकाल लिया है। चावल को बहुत ही हल्के हाथों से सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसमें पानी कितना डालें। तो हमने चावल को भिगो कर रखा था तो पानी उतना ही डालेंगे जितना कि हमने चावल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 2 कप चावल का इस्तेमाल किया है, तो 2 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब फिर से इसे कवर करके तब तक रखेंगे जब तक कि हमारे सारे चावल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और हमने जो पानी डाला है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ऊपर के चावल नीचे चले जाए और नीचे के चावल ऊपर आ जाए। तो अभी भी इसमें काफी सारा पानी है, तो जब तक सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक फिर से इसे कवर करके रखेंगे। तो अब करीबन 7 से 8 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारा पानी ड्राई हो चुका है और बहुत ही खिली खिली से हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे ताकि टेस्ट में और दिखने में अच्छी लगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही यूनिक वेज बिरयानी बनकर तैयार है। तो गर्मा गर्म वेज बिरयानी को हम सर्व करेंगे। तो रेस्टोरेंट जैसी बहुत ही टेस्टी वेज बिरयानी आपने कभी इस तरह से नहीं बनाई है, तो एक बार जरूर बना के ट्राई करना। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन होगा, इतनी टेस्टी बनके तैयार होगी। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।